दोस्तों, हमारे पिताजी और उनके पूर्वज बहुत जमाने से एक सस्ता लेकिन बिल्कुल प्राकृतिक आफ्टरशेव यूज़ करते आ रहे हैं, जो कि हमने आजकल बदल लिया है महंगे और केमिकल बेस्ड आफ्टरशेव से। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एलम स्टोन की या एलम ब्लॉक की, जिसको फिटकरी का स्टोन या फिटकरी का ब्लॉक भी कहते हैं। चलिए आइए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। ये पोटेशियम एलम है, ये बिल्कुल प्राकृतिक एंटीसेप्टिक और एस्ट्रिंजेंट है। ये आपके कोई भी कट लग जाते हैं या शेव करने वक्त आपको जलन होती है या कोई बम्प्स हो जाते हैं रेजर से, तो वो सबका ये ख्याल रख लेगा। और आपके शेविंग से जो लाल लाल हो जाता है या इरिटेशन हो जाती है, उसके लिए भी ये काफ़ी उपयोगी है। ये एक ब्लॉक के रूप में आता है और सफ़ेद रंग का होता है। ये आपकी त्वचा को भी टाइट कर देता है और जो आपके छोटे जो पोर्स खुल जाते हैं उनको भी ये बंद कर देगा जब आप इसको लगा लेंगे शेव करने के बाद। और अगर आपकी कोई ब्लीडिंग हो रही है, छोटा सा कट लग गया है, तो उसकी ब्लीडिंग भी ये एलम रोक देगा। अच्छा दोस्तों, मेरी शेविंग अब कंप्लीट हो गई है। अब मैं अपने चेहरे को गीला कर लेता हूँ। अब मैं एलम को भी गीला कर लेता हूँ और उसको अपने मुंह पे सीधा ही इसको लगा दूंगा। त्वचा में आपको एकदम से जलन हो सकती है, लेकिन घबराइए मत, ये बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा होता है। आपको जलन वहाँ पे ज़्यादा होगी जहाँ पे आपने शेव बहुत ज़्यादा किया है या शेव बहुत डीप किया है। चलिए, मेरे को तो लगता है मैं यहाँ पे अब इसको कंप्लीट कर चुका हूँ। आपके पास चॉइस है कि या तो आप अपने चेहरे पे इसको आधे मिनट तक लगाए रखें और उसके बाद मुंह को धो लें, या फिर आप इसको छोड़ दें अपने मुंह पर सूखने के लिए, जैसे कि मैं हमेशा छोड़ देता हूँ। एक चीज़ का ख्याल रखना दोस्तों कि एलम को किसी टॉवल या किसी चीज़ से इसको सुखा लें रखने से पहले। दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि ये बहुत ही कारगर और प्राकृतिक आफ्टर शेव है जो आप ले सकते हैं। ये 50 रुपये से कम कीमत में आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगा और ये दोस्तों 1 साल से भी ज़्यादा चल जाता है। अगर आप इसको अपनी लोकल मार्केट में नहीं खरीद पा रहे हैं, तो मैं एक लिंक भी छोड़ दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन या पिंड कमेंट में, जिससे आप इसको आसानी से खरीद पाएंगे। शुक्रिया दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए, और ऐसे और उपयोगी वीडियोज़ के लिए कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।